दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी, सारा जहां दीवाना मुट्ठी में दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी। सुबह सुबह नाम हमारा, हम में भी कुछ बात है, जो ठान लिया वो कर जाना है, उसमें ही कुछ खास है। ख्वाबों को हकीकत के रंगों से सजाना है, हर रंगी हकीकत को फिर से पंख लगाना है। मंजिले पीछे हम है, आगे हमसे सारा जहां, जहाँ देखो अपना जलवा, हम दुनिया के बादशाह। दिलकश है अंदाज हमारा, यारों हम कमाल है, लोग मिसाले देते अपनी, हम तो बेमिसाल है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव दुधली में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में शराब व सामग्री बरामद की। मुजफ्फरनगर के चरथावल कोतवाली क्षेत्र के गांव दुधली में आबकारी विभाग व पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। बता दें कि ग्राम प्रधानपति के नौकर के घर से यह 59 पेटी यूपी मार्का बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि यह लोग जहरीली शराब पर यूपी मार्का लगाकर ठेकों पर सप्लाई करने का काम करते थे। इसके अलावा इस दौरान मौके से यूपी मार्का के रैपर और ढक्कन भी बरामद किए गए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र स्थित हैदरपुर झील पर शिकारियों ने कब्जा कर लिया है, जहां अवैध रूप से रोजाना मछलियां पकड़ी जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर की हैदरपुर झील जहां वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध होती जा रही है, वहीं इस झील पर अब शिकारियों का कब्जा होता जा रहा है। प्रतिदिन दर्जनों शिकारी दिन दहाड़े अपनी नावों में सवार होकर यहां से कई किलो मछलियों का शिकार करते हैं। हस्तिनापुर वन्य अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली हैदरपुर झील में प्रतिवर्ष हजारों विदेशी पक्षी आकर अपनी आमद दर्ज कराते हैं, जिसके बाद वन विभाग द्वारा विदेशी पक्षियों की जमकर मेहमान नवाजी की जाती है। बता दें कि रामराज थाना क्षेत्र के मध्य गंगा बैराज के निकट स्थित उक्त हैदरपुर झील पर अब शिकारियों का कब्जा होता जा रहा है। प्रतिदिन दर्जनों शिकारी देवल गंगनहर की ओर से अपनी नावों में सवार होकर झील में मछलियों का शिकार करते हैं। शिकारी यहां जाल डालकर आधा किलो से लेकर करीब 3 किलो तक की मछली को अपना शिकार बनाते हैं और यहां से कई कुंतल मछलियों की तस्करी करते हैं। यह शिकारी जिस तरह से दिन दहाड़े इस झील में शिकार करते हैं, यह बेहद ही शोचनीय विषय है। जानकारी के अनुसार उक्त शिकारी यहां से मछलियों की तस्करी कर उन्हें 500 रुपए किलो से लेकर 1000 रुपए किलो तक में सप्लाई करते हैं। चर्चा है कि वन विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से ही शिकारी यहां शिकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, झील से कुछ दूरी पर स्थित रामराज थाने की चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों का भी शिकारियों को कोई डर नहीं है। चौकी के निकट दिन दहाड़े शिकारी यहां मछली का शिकार करते हैं। चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बताया कि झील का यह क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत आता है। इस बारे में वन क्षेत्र अधिकारी मनोज वलोदी का कहना है कि बिजनौर की ओर से आकर कुछ शिकारी यहां शिकार कर रहे थे, जिसकी सूचना उन्हें मिली थी। वन कर्मियों की टीम ने हैदरपुर झील में खड़ी एक नाव को नष्ट कर दिया है, उसके बाद से टीम यहां गश्त कर रही है। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित बैराज पुल का हिस्सा एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे राहगीरों को चिंता सताने लगी है। वहीं प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मीरापुर में कर्मचारियों की लापरवाही के चलते बैराज पुल के कुछ हिस्से फिर से क्षतिग्रस्त होने लगा है। पुल की सड़क पर गड्ढे होने लगे हैं। अभी तक प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। मीरापुर में कर्मचारियों की लापरवाही के चलते बैराज के पुल
के कुछ हिस्से फिर से क्षतिग्रस्त होने लगे हैं। पुल की सड़क पर गड्ढे होने लगे हैं। अभी तक प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पुल की सड़क पर गड्ढा होने से राहगीरों को फिर से चिंता होने लगी है। दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे स्थित बैराज के पुल गेट नंबर 14 के सामने 19 अप्रैल को सड़क बैठ गई थी। बैराज का पुल यूपी उत्तराखंड पंजाब दिल्ली हरियाणा को जोड़ता है। तब पुल की सड़क बैठने से पुल पर बड़े वाहनों का प्रवेश बंद करा दिया गया था। वहीं बड़े वाहनों को रूट डाइवर्ट करके वाया गजरौला भेजा जा रहा था। इससे यात्रियों को तमाम परेशानी उठानी पड़ी। पुल की मरम्मत के बाद से ही इस पर बड़े वाहनों का संचालन फिर से शुरू कराया गया था। पुल की मरम्मत के दौरान वहां काफी मिट्टी भी लगाई गई थी। मरम्मत होने के बाद भी इस मिट्टी को वहां से नहीं हटाया गया। मिट्टी न हटाने से बरसात का पानी नीचे की ओर नहीं निकल पाया और पुल पर ही पानी भरने लगा। इस वजह से पुल पर गहरे गहरे गड्ढे होने लगे हैं। थोड़ा आगे पुल की सड़क टूटने लगी है। पुल की सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। राहगीरों का कहना है कि अधिकारी पुल की सुरक्षा को लेकर सजग नहीं है। अगर इस पुल की सड़क फिर से टूटने लगी है और पुल से बड़े वाहनों का संचालन शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला जनकपुरी में एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां मामा और मां ने चाचा तथा दादी पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर मारपीट की। दरअसल मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला जनकपुरी का है, जहां मंगलवार को एक 12 वर्षीय किशोरी खुशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। किशोरी की मां और मामा ने किशोरी की दादी और चाचा पर खुशी की हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं चाचा और दादी द्वारा बताया जा रहा है कि खुशी ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की है। आरोप प्रत्यारोप के बाद एक ही परिवार के लोग आमने सामने आ गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में पुलिस की मौजूदगी में काफी देर तक जमकर मारपीट हुई। काफी देर तक चली मारपीट के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और मृतक किशोरी खुशी के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। मोहल्ला जनकपुरी थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक परिवार द्वारा थाने में सूचना दी गई है कि जब वो अपने घर पर आए तो उन्होंने अपनी लड़की का शव पंखे से लटका हुआ देखा, जो तो संदिग्ध लग रहा है, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी है। पुलिस ने उस डेड बॉडी को पंचायतनामा कर PM के लिए भिजवा दिया है। जांच की जा रही है, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सर, उसके पास कोई सुसाइड नोट भी निकला हुआ? नहीं, ऐसी तो जांच की जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर की नवागंतुक जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी ने मंगलवार को कावड़ यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया, जहां उनके साथ जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर की नवागंतुक जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी ने मंगलवार को कावड़ यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया, जहां उनके साथ जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कावड़ यात्रा मार्गों पर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर स्थित जिला पंचायत सभागार कक्ष में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान SDM प्रशासन अमित सिंह के अलावा संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस किसान दिवस के दौरान आए हुए किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया और अधिकारियों के द्वारा किसानों की समस्या को नोट करते हुए संबंधित अधिकारी को जल्द से जल्द समाधान करने के आदेश दिए गए। इस दौरान ADM प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर आज यहां किसान दिवस लगाया गया था, जिसमें विद्युत विभाग, गन्ना विभाग व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रति माह किसानों की समस्या सुनी जाती है, समस्या को नोट किया जाता है और निस्तारण भी कराया जाता है। गन्ना भुगतान से संबंधित शिकायत थी, जिसका हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि बचे हुए किसानों का गन्ना भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर बिजली विभाग, गन्ना विभाग, विद्युत विभाग, अन्य डिपार्टमेंट भी यहाँ पे आते हैं। किसानों की समस्याओं पे प्रति माह शिकायतें सुनी जाती है, उन पे विचार किया जाता है, निस्तारण के प्रयास किए जाते हैं। कई सारे मुद्दे आते हैं, उन मुद्दों को नोट किया जाता है, अधिकारियों से वार्ता करके उनके निस्तारण कराने के प्रयास किया जाते हैं। मुख्य शिकायतें बिजली विभाग और गन्ना भुगतान से थी। इस बार उसमें भी जिलाधिकारी महोदया चूंकि आ चुकी है, उनके सामने भी इस प्रकरण को रखेंगे।
कि जिस प्रकार इनकी समस्याएं का निस्तारण करना है ये इनको बताया जाएगा। अभी निस्तारण तो ऐसा यहाँ नहीं होता, मुद्दा यह है कि जो शिकायतें उनकी होती हैं उसमें कुछ बिजली के अनियमितताओं संबंधित होती हैं, उसमें कार्रवाइयाँ होनी होती हैं। गन्ना भुगतान के संबंध में प्रगति बहुत अच्छी है, केवल दो मिलों के संबंध में शिकायत थी, भैसाना और खाई खेड़ी, उसके संबंध में कार्रवाई शासन स्तर से हो रही है और भुगतान के संबंध में और मिलों से कोई शिकायत नहीं है। विद्युत विभाग में विद्युत आपूर्ति से संबंध हुई समस्याएं थी उसका निस्तारण किया रहा है। जो बैंकों समय समस्या है उसकी डीएलसी की मीटिंग होगी, उसमें जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर में पॉलिथीन बिक्री की सूचना पर नगर मजिस्ट्रेट ने टीम के साथ दुकानों पर छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में जुर्माना वसूला गया। सिटी मजिस्ट्रेट व नगर पालिका की टीम ने पुलिस बल को साथ लेकर प्रतिबंधित पॉलिथीन की बिक्री कर रहे दुकानों पर छापेमारी की, कई दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। भगत सिंह रोड पर कई दुकानदारों के यहां प्रतिबंधित पॉलिथीन की बिक्री की जा रही थी, जिसकी सूचना नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार को मिलने पर नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार ने नगर पालिका की टीम व पुलिस बल को साथ लेकर पॉलिथीन की बिक्री कर रहे दुकानदारों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पाया कि काफी मात्रा में पॉलिथीन की बिक्री की जा रही थी और इन दुकानों पर मानक से ज्यादा पॉलिथीन पाई गई है। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार ने बताया कि 2 अक्टूबर से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग गया था। इसका इस्तेमाल करना या ट्रांसपोर्ट करना गैर कानूनी है। इसी के संबंध में पता चला था कि यहाँ भगत सिंह रोड से कुछ दुकानों से यह प्रतिबंधित पॉलिथीन बेची जा रही है। इन दुकानों से पॉलिथीन जब्त की गई है और काफी दुकानों से 1,40,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। जब तक पॉलिथीन की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लग जाता, इसी तरह चेकिंग अभियान जारी रहेगा। प्रतिबंधित पन्नी, पॉलिथीन और थर्माकोल, ये 2 अक्टूबर से प्रतिबंधित हो गया है। इसका बेचना या इसका ट्रांसपोर्ट या इसका इस्तेमाल बंद है। इसी संबंध में ये मालूम पड़ा था कि कुछ दुकानों से ये बेची जा रही है, तो यहाँ पे मैं पुलिस और नगर पालिका की टीम के साथ आके इन दुकानों से जो है पन्नी जब्त की गई है और लगभग 1,42,000 रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगाया। जितने वो वजन के हिसाब से है, जिसके पास 5 किलो से अधिक मिली है उसको अलग जुर्माना है, जिसके पास 1 किलो से 2 किलो के बीच मिली है वो अलग जुर्माना है। तो वजन के साथ जुर्माना होता है, जो कि मैक्सिमम 25,000 तक होता है। जब तक पन्नी पाती जाएगी तब तक चलता रहेगा, जब तक पॉलिथीन चलती रहेगी। 8-9 दुकानों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के खतोली कस्बे में एसडीएम अजय कुमार अम्बिस्ट के नेतृत्व में पालिका टीम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। खतोली कस्बे के स्थित मेन रोड पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से आवाज उठाई। नगरपालिका के महाबली ने अतिक्रमण हटवाया। एसडीएम खतोली ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकानदारों को पहले ही चेतावनी दी गई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया था। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके मद्देनजर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया है। इन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करके कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई? अभी जैसा कि आपको पता है श्रावण मेला भी शुरू हो गया है और यहाँ पर सड़क के किनारे सरकारी भूमि पर तमाम लोग रोड़ी बजरी रख करके अतिक्रमण किए हुए हैं, जिससे नालियाँ भी चौक गई है और काफ़ी जल जमाव हो जा रहा है बरसात के मौसम। इनको कई बार नगर पालिका के द्वारा नोटिस दिया गया कि ये अपना हटा दें, परंतु ये बार बार कहने के बावजूद भी इनके द्वारा अपना ये सामान नहीं हटा दिया। आज उनको अंतिम रूप से चेतावनी दी गई थी कि नहीं हटाएंगे तो उनके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी नगर पालिका में। इसी संबंध में ये सार्वजनिक भूमि पर से अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। इन्होंने जो रख रखा है सड़क के किनारे, जिससे आए दिन दुर्घटना भी हो रही है, इसको हटवाया। अगर ये दोबारा अतिक्रमण करते हैं तो किस तरह की कार्रवाई होगी? दोबारा अतिक्रमण होने पर इन्हें इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और अनवैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला इस्लाम नगर में बारिश के चलते एक मकान की छत गिर गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। खतौली के मोहल्ला इस्लाम नगर में विधवा महिला मोमिना पत्नी अल्लाह रखा का अपना मकान है। मकान की हालत खस्ताहाल होने के बावजूद भी वह वहीं पर रहने को मजबूर है। लगातार हो रही बारिश के कारण मोमिना के मकान की छत गत रात्रि लगभग 3 बजे भरभराकर गिर गई। जोरदार धमाके की आवाज पर मोहल्लेवासी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मलबे में दबे छोटे छोटे बच्चों को मलबा हटाकर बाहर निकाला। मोहल्लेवासियों ने चोटिल हुए बच्चों को उपचार के लिए निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया। पीड़िता का कहना है कि कई बार मकान की जांच होने के बाद भी अपात्र बता दिया जाता है, जिस कारण उसका कच्चा मकान किसी भी सरकारी योजना के तहत नहीं बन सका। पीड़िता ने मकान बनाए जाने की अधिकारियों से गुहार भी लगाई है। रात ये हमारे पड़ोस में एक छत गिर गई है, कच्ची छत थी और बच्चे ये दब गए थे। बड़ी मुश्किल से बच्चे निकाले हैं, बहुत हालत खराब है मकान की। कहाँ पे रहते हो आप? इस्लाम नगर खतौली। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे के मोहल्ला मुनव्वर नगर में भारी बारिश के कारण एक गरीब का आशियाना धराशायी हो गया, जिसमें परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई, वहीं एक युवक घायल हो गया। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल देहात के मोहल्ला मुनव्वर नगर का है, जहां 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नौशाद पुत्र इकराम का कच्चा मकान देखते ही देखते गिर गया। जिस समय मकान गिरा, उस समय मकान में नौशाद अपनी पत्नी और 6 बच्चों सहित सो रहा था। मकान गिरने की आहट से नौशाद ने आनन फानन में सभी को गिरते मकान से बाहर निकाला, जिसमें मकान मालिक नौशाद छत की कड़ी लगने से घायल हो गया, जबकि 3 वर्षीय हसन, 4.5 वर्षीय हुसैन, 6 वर्षीय शायान, 8 वर्षीय रिहान व 11 वर्षीय आयशा व सितारा ने भागकर अपनी जान बचाई। गरीब परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। लगातार हो रही बारिश में परिवार पर रहने का संकट भी आन खड़ा हुआ है। सर जी 4 बज रहे थे, पसर में एक कड़ी टूटने की आवाज आई, इतना में उठा, इतना बच्चों को बाहर निकाले, 3-4 कड़ी टूट गई मकान की, छत बैठ गई, तो बच्चे तो खैर थोड़ी बहुत चोट आई, लेकिन मेरे चोट आ गई यहाँ दोनों पे। तो सर जी मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि मेरा यो मकान बन जाए बस, और मैं मजदूरी करता हूँ, बच्चों की पता नहीं किस तरह पाल रहा हूँ मैं, मेरा तो वैसे ही गुजारा है, मतलब भारी हो रहा है काम, तो यो मकान की रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, बस यो मकान बन जाए मेरा। भाई जी रात को सो रहे थे, सोते सोते अपने जब इनकी 4-5 बजे एक कड़ी गिरी, कड़ी गिरने में भाग लिए बच्चों को निकाले, जो कुछ इनके सामान हाथ लगा वो निकाला, उसके बाद पूरी छत बैठ गई जी, दीवारें तिरछी हो रही थी, देखी होगी तुमने, पूरा का पूरा नीचा धसन लग रहा जी गली। अभी इसके चोट आई, भाई है 5-6 बच्चे हैं इसके, मजदूर आदमी हैं। तो क्या कोई और भी घायल है? बच्चे तो जी निकाल लिए थे, जब आवाज सुनी पड़ोसी आ गए थे जी भाग के सारे के सारे, जब एकदम आवाज आई जब घर गिरने की। जनपद शामली के थाना भवन में लगने वाले ऐच्छिक ब्यूरो की टीम को अर्पण पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अर्पण सैनी द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक रविवार को ऐच्छिक ब्यूरो कैंप लगाकर पारिवारिक विवादों को सुलझाकर परिवारों को मिलाया जाता है। पिछले 1 वर्ष में पारिवारिक विवाद के लगभग 200 मामले आए हैं, जिन पर सुनवाई करते हुए ऐच्छिक ब्यूरो टीम के सदस्यों द्वारा 188 परिवारों के बीच के विवाद को खत्म कर सुलह कराई गई, जिसमें 188 परिवारों को फिर से मिलाने का काम किया गया। समाज हित में उनके द्वारा किए गए प्रयास को देखते हुए अर्पण सैनी ने उनके कार्य की तारीफ करते हुए टीम के सभी सदस्य डॉक्टर तोहिद हसन, राजीव गोयल, कीर्ति अग्रवाल, फरजंद अली व थाना भवन क्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र यादव को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समाज हित में उनके द्वारा किए गए प्रयास को देखते हुए अर्पण सैनी ने उनके कार्य की तारीफ करते हुए टीम के सभी सदस्यों डॉक्टर तोहिद हसन, राजीव गोयल, कीर्ति अग्रवाल, फरजंद अली व थाना भवन क्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र यादव को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। परिवार परामर्श केंद्र जो चलता है, इसमें हमारी पूरी टीम है, गोयल जी हैं, डॉक्टर साहब ये लोग हैं, जिसमें करीब 200 ऐसे परिवारों का विवाद जो आया इनके सामने, और इन लोगों ने अपने सूझबूझ और विवेक से 188 परिवारों को जोड़कर
सकुशल उनको उनके घर भेजा गया, जो एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है एक समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, एक परिवार को जोड़ना। तो इन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है, जिसके लिए हमारे अर्पण स्कूल के डायरेक्टर इनको प्रतीक चिन्ह दे के इसके लिए सम्मानित किए, और ये भविष्य में और अच्छा काम करेंगे। सर, हमारी टीम एच ई ब्यूरो टीम लगातार एक वर्ष से बिखरे हुए परिवारों को जोड़ने का कार्य कर रही थी, और जैसा कि क्षेत्राधिकारी महोदय ने बताया कि इन्होंने अपने कुशल प्रयास से लगभग 180 परिवारों को मिलाने का कार्य किया है, और इसी से संतुष्ट होकर के हमारे एमडी सर ने, जो अर्पण कॉलेज के एमडी हैं, इन्होंने हमको सम्मानित किया है, और मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ, और मैं आगे भी इनसे ऐसी ही आशा करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। सर, जो हमारे छिप ब्यूरो थाना भवन की टीम है, उनके द्वारा लगातार सराहनीय काम किए गए। बहुत सारे परिवार थे जिनको बिखराव से बचाकर जोड़ा गया, क्योंकि दो कार्य होते समाज में, तोड़ना और जोड़ना। जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, और लगातार पूरे समाज से लोगों को अच्छा संदेश मिल रहा था, तो मैंने उस चीज़ से हमारी पूरे विद्यालय परिवार ने प्रसन्न होकर के, ताकि लोग भविष्य में भी और अच्छा कार्य करें, उसके लिए लोगों के लिए सम्मान समारोह रखा, और एक भविष्य के लिए एक शुभकामनाएँ सब लोगों को दी और अच्छे से कार्य करें भविष्य में। जनपद शामली के थाना भवन में बाजार जा रही दो युवतियों से मनचलों ने छेड़छाड़ की। वहीं विरोध करने पर एक युवती की सरेराह पिटाई कर डाली। पीड़िता की शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल मामला थाना भवन क्षेत्र के मोहल्ला रेती का है, जहां पर दो सगी बहनों से मनचलों ने छेड़छाड़ की है। बताया जा रहा है कि दोनों सगी बहनें एक साथ बाजार में अपने पिता के लिए फ्रूट जूस लेने गई थी। जैसे ही वह दोनों बाजार से गुजर रही थी, उसी दौरान बाजार में एक चश्मे की दुकान पर बैठे कई मनचलों ने दोनों पर फप्पियां कसना शुरू कर दिया और दोनों बहनों से अश्लील हरकत करने लगे। दोनों बहनों ने जब इस बात का विरोध किया तो दबंग मनचलों ने दोनों को पकड़ लिया और दुकान में खींचने का प्रयास करने लगे, जिस पर दोनों सगी बहनों ने जताया और शोर मचाना शुरू कर दिया। विरोध में दबंग मनचलों ने एक युवती के साथ जबरदस्त मारपीट की है, जिससे युवती घायल हो गई और जमीन पर जा गिरी, जिसके बाद आरोपी मनचले मौके से भाग खड़े हुए, जिस पर दोनों बहनें एक साथ तहरीर लेकर थाने पहुंची और उक्त आरोपी मनचलों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। जैसे ही पीड़िता थाने पहुंची और इस मामले में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी एसओ भवन संदीप बालियान उनकी शिकायत सुनने नहीं पहुंचे और न ही किसी पुलिसकर्मी ने उनकी तहरीर ली, जिससे पीड़ितों में भारी रोष व्याप्त है। हालांकि पूर्व में भी एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना हुई है और एक बार फिर अब छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिससे युवती डरी सहमी हुई है। घटना के काफी समय बीत जाने के बाद भी थाना भवन एसओ संदीप बालियान दबंग मनचलों पर कार्रवाई करने में नाकाम है। कार्रवाई से साफ जाहिर है कि थाना भवन पुलिस मनचलों के आगे नतमस्तक है, जिस कारण से क्षेत्र में लूट, हत्या व छेड़छाड़ जैसी गंभीर घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। जब हमने एसपी शामली से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पूर्व में भी युवती से छेड़छाड़ हुई है, युवती की तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में जो थाना भवन से जानकारी की गई तो पता लगा कि पूर्व में इनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया जा चुका है और पुनः जो है किसी अन्य पर इन्होंने आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है, जिस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा जांच की जा रही है कि आरोप सत्य हैं कि असत्य हैं, क्योंकि पूर्व में भी इनके द्वारा एक आरोप लगाते हुए किसी अन्य के विरुद्ध जो है इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में जाँच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जनपद शामली में एक मंदबुद्धि युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को लोगों ने दबोचकर जमकर धुनाई कर डाली। वहीं युवकों ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। शामली जनपद में एक मंदबुद्धि युवती से रेप की वारदात सामने आई है। एक युवक ने मंदबुद्धि युवती को खेत में ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया। जब आरोपी युवती को खेत में ले जा रहा था, उसी दौरान आसपास के लोगों ने उसे देख लिया और मौके पर ही युवती से रेप करते हुए दबोच लिया। आरोपी की इस घिनौनी करतूत का लाइव वीडियो भी युवकों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। पहले तो चार युवकों ने आरोपी की जमकर धुनाई की और बाद में पिटाई व घिनौनी करतूत का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मंदबुद्धि युवती को बरामद कर मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है और वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसमें कोतवाली कराना के अंतर्गत आज एक सूचना मिली थी कि जिसमें कि एक युवक एक युवती के साथ जो है मौजूद है। इस पर हमारी तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, कराना कोतवाली पुलिस, और मौके से युवक और युवती दोनों को जो है वहां से थाने पर लाया जाता है। युवती देखने में जो है मानसिक रुग्ण अवस्था में दिखाई दे रही है, उसके परिजनों को जो सूचना मिल दी गई है और परिजन वहाँ पर थाने पर आ रहे हैं और उसके बाद तहरीर उनके द्वारा दी जा रही है। तहरीर के आधार पर युवती को जो है मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है पुलिस के द्वारा, मेडिकल उपरांत और तहरीर के आधार पर जो दोषी है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है सर। इसमें जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि इसमें जो है सूचना मिलने पर युवक और युवती दोनों को जो है पुलिस के द्वारा कब्जे में लेते हुए थाने पर लाया गया है और युवती की मानसिक दशा को देखते हुए और उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है और उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। युवक को के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ने लगा है, जहां शिव भक्त हर हर बम बम के जय घोष के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों के लिए शासन व प्रशासन को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष आदेश पारित किए हुए हैं, लेकिन शासन व प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण कांवड़ियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहला कैंप निर्गाजनी झाल पर व उसके बाद सेवार क्लब भोपा पुल पर लगा है। एक कैंप जोली झाल पर लगाया जा रहा है, उसके बाद खतौली तक कोई कैंप नजर नहीं आ रहा। ये कैंप भी निजी ग्रामीणों ने लगा रखे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से लाइट की व्यवस्था गंगनहर पर की जा रही है, जो अभी तक अधूरी पड़ी है, जबकि कावड़ मार्ग से कावड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। जोली पुलिस के पास ग्रामीणों द्वारा कैंप लगाया जा रहा है। वहीं बुधवार को सीओ भोपा राम मोहन शर्मा ने कावड़ मार्ग पर पुलिस व्यवस्था का जायजा। प्रशासन नहर की पटरी पर शुगर मिलों के सहयोग से कैंप लगाते थे, परंतु अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भोपा नहर पुल पर सेवार क्लब ने ग्रामीणों के सहयोग से शिविर लगा रखा है, जिसमें भोजन आराम करने के लिए व्यवस्था व दवाइयों की सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। फिलहाल दिल्ली हरियाणा आदि के कांवड़िया चरण सिंह कांवड़ यात्रा मार्ग से गुजर रहे हैं। और कहां जा रहे हैं आप? हम अलवर जाएंगे, अलवर जिले। और कोई परेशानी वगैरह तो नहीं हो रही? बोले तो कुछ नहीं है, बोले सही चल रही है, सही चल रहा है। पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश से जहां लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं नगर पंचायत मीरापुर के विकास कार्यों की इस बारिश ने पोल खोल कर रख दी है। मीरापुर कस्बे के अधिकांश तालाबों पर अवैध अतिक्रमण होने के चलते कस्बे में गंदे पानी की निकासी की बड़ी समस्या है। बाकी बची कसर रविवार से रुक रुक कर हो रही वर्षा ने पूरी कर दी। लगातार हो रही बारिश ने नगर पंचायत के विकास कार्यों के दावों की पूरी पोल खोल कर रख दी। बारिश के कारण कस्बे के मोहल्ला मुस्तर्क, जाट कॉलोनी, मोहल्ला कमलियान में सड़कों पर एकत्र हो जाता है बारिश का पानी। पानी की निकासी न होने के चलते लोगों के घरों में पानी घुस जाता है तथा लोगों का अधिकांश घरेलू सामान गंदे पानी में जलमग्न हो गया, जिससे लोगों का जीवन नरक बन गया। इतना ही नहीं, मोहल्ला कमलियान में मुख्य बाजार में सड़क पर कई कई फुट पानी भरा हुआ है। बारिश के साथ साथ नालियों का गंदा पानी लोगों की दुकानों में भर गया। व्यापारियों के साथ साथ आमजन का भी अपनी दुकानों व घर से निकलना दुभर हो गया। लगातार पानी भरे होने से यहां बीमारियां फैलने की भी आशंका बढ़ रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बारिश से पूर्व भी लोग सैकड़ों बार नगर पंचायत चेयरमैन पति जाहिर कुरैशी व ईओ अनुप रॉय से समस्या के समाधान के लिए मिल चुके हैं। एक माह पहले सैकड़ों लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी भी की थी, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। अब पिछले दो दिनों से हो रही वर्षा ने यहाँ के हालात और अधिक बदतर कर दिए हैं। यदि अभी भी बारिश होती रही तो लोगों का गुस्सा फूटने की जबरदस्त आशंका है। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के कासमपुर में दो दिवसीय दुर्गा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विशाल दंगल भी आयोजित हुआ।
मीरापुर क्षेत्र के ग्राम कासमपुर खोला में प्राचीन दुर्गा माता मंदिर पर सैकड़ों वर्षों से आषाढ़ मास की 14वें पूर्णिमा तिथि को विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है तथा मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। रविवार से मेला विधिवत शुरू हो गया। मेले के शुभारंभ में सर्वप्रथम मंदिर परिसर में माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की गयी। इसके बाद हवन किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने सामूहिक आहुति दी। मेले के प्रथम दिन सुबह से ही हल्की बारिश होने के बावजूद हजारों की संख्या में यहाँ महिला पुरुष व बच्चे प्रसाद चढ़ाने पहुंच गए। मेले में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले विशाल राष्ट्रीय दंगल का भी रविवार को शुभारंभ हुआ। दंगल का उद्घाटन दिल्ली से पधारे मुख्य अतिथि सुमित चौधरी ने फीता काट कर किया। दंगल के प्रथम दिन पुरुष पहलवानों में रुड़की के पहलवान बादल ने नोएडा के मनीष को तथा सोनू पहलवान कासमपुर ने बिजनौर के पहलवान अक्षय त्यागी को व बिजनौर के पहलवान प्रिंस ने गाजियाबाद के पंकज पहलवान को चित कर इनामी कुश्ती जीती। वही दंगल में दूर दराज से आई महिला पहलवानों ने भी जमकर अपना दमखम दिखाया। महिला पहलवानों ने गणेशपुर की साक्षी पहलवान व मीरापुर की पहलवान वाजिदा तथा तीशा व कैफ के बीच रोमांचक कुश्ती बराबरी पर रही। गांव में दुर्गा माता जी का मंदिर है, पिछले लगभग 55-56 सालों से लगातार हर वर्ष दो दिन का मेला भी लगता है और दो दिवसीय दंगल का आयोजन ग्राम कासमपुर कोला में हर वर्ष प्रत्येक वर्ष गांव समाज के सहयोग से पूर्ण रूप से अच्छी तरह चलता है, बड़ा अनुशासन ढंग से चलता है। इसकी कमेटी बनी हुई है और दूर दराज से कई जिलों से यहाँ खिलाड़ी आते हैं, कुश्ती दिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पहलवान में आते हैं और उन्हें अच्छे इनाम देकर के उन्हें प्रोत्साहन किया जाता है, उनका उत्साह होता है। जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीन युवकों को नशीले पदार्थ व अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आलोक शर्मा के आदेशानुसार चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत क्षेत्र अधिकारी सोमेंद्र कुमार नेगी के निर्देशन में थाना मीरापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान थाना मीरापुर के इंस्पेक्टर पंकज त्यागी व कस्बा इंचार्ज जितेंद्र शर्मा व एसआई योगेंद्र सिंह कांस्टेबल विनय कुमार भूमा अड्डे के पास चेकिंग कर रहे थे कि सामने से आ रहे तीन युवकों को रोकने का इशारा किया, लेकिन युवक नहीं रुके जिसको इंस्पेक्टर मीरापुर पंकज त्यागी व एसआई योगेंद्र सिंह व उनकी टीम ने पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना नाम गुरुवचन पुत्र सूरजपाल, हितेश पुत्र राजेंद्र, सुनील पुत्र सुरेंद्र, तीनों ही युवक निवासी मोहल्ला पछाला के हैं, तो तीनों की जेब से 200-200 ग्राम चरस मिली। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब थाना इंस्पेक्टर मीरापुर पंकज त्यागी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड के देहरादून स्थित गांधी पार्क में भारी बारिश के बीच लोगों ने हरेला धूमधाम के साथ मनाया। और फिलहाल वक्त हो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का।
जनपद मुजफ्फरनगर की नई जिलाधिकारी कुमारी सिल्वा ने मंगलवार को अपना पदभार ग्रहण किया, जहां पहुंचने पर आला अधिकारियों ने उनका बुके भेज कर स्वागत किया। वहीं उन्होंने पदभार संभालने के बाद कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले का समग्र विकास करना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं उन्होंने विभागीय अधिकारियों को चेताया कि यदि किसी भी कार्य में लापरवाही बरती हो तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा और कांवड़ यात्रा को लेकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के महिलाओं को और बच्चों को रिलेटेड जो भी हैं और फिर स्कूल के संबंध में यही प्राथमिकताएं ही रहेगी। अच्छा, चार्ज लेने से पहले आपने निरीक्षण किया है कांवड़ मार्ग का, क्या क्या खामी मिली है, किस तरह की तैयारी है? जो अधिकारी साथ में चले थे, जैसे PWD का कुछ काम में कमी था, जैसे जल भराव का कई जगह पर प्रॉब्लम था। इसके अलावा टॉयलेट्स के लिए भी हमने DPRO साहब को निर्देश दिया, क्योंकि महिलाएं भी आएंगी उनके लिए दिक्कत होगा। उसके अलावा बिजली वाले आए थे, क्योंकि यहाँ पे वो जाकियाँ भी जाती है, तो उसके हिसाब से ट्री कटिंग और जो भी काम वो कर रहे हैं, जो तार वगैरह खींचना है उसका भी बताया गया है। अदर देन दैट अदर इश्यूज, नाले का भी काम था जो लोकल स्तर पे, जो प्रधान स्तर पे सफाई और ये सब करना था, उनका भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसके अलावा जो NH का है, कुछ इश्यूज है, तो वी आर टेकिंग अप विद PD ऑल्सो, तो ये सब अभी हम लोग को तत्काल करना पड़ेगा। इसको जो भी काम बचे हैं तो अधिकारी लगे हुए हैं, आई एम श्योर दे विल बी कंप्लीटिंग इट विद इन 1 आवर। जनपद मुजफ्फरनगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवसेना द्वारा 27वां विशाल कांवड़ सेवा शिविर आरंभ किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा फीता काटकर किया गया। शिवसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह शिविर सबसे पहले आरंभ किया जाता है, जो शिवरात्रि पर संपन्न होता है। पदाधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांवड़ यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा शिविर में उपलब्ध कराई जाएगी। ये शिवसेना का 27वां कांवड़ सेवा शिविर है और लगभग पिछले 26 वर्षों से निरंतर शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए यह शिविर जनता के सहयोग से लगभग 15 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। शिवसेना का यह शिविर एकमात्र ऐसा शिविर है जहां पर मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा आदि के कांवड़िए निःशुल्क भोजन, जलपान, विश्राम, चिकित्सा आदि की व्यवस्था पाते हैं। क्योंकि ये शिविर आज इसका शुभारंभ हो रहा है गुरु पूर्णिमा का दिन, अन्य जो भी शिविर हैं वो लगभग एक हफ्ते बाद जिनका आयोजन होगा, ऐसे में उन शिव भक्तों को बहुत परेशानी होती है जो लंबी यात्रा करके गुजरते हैं। और शिवसेना की पूरी टीम इस पूरे काम को पूरे तन मन धन के साथ दिन रात 24 घंटे मेहनत करके इस पूरे कार्यक्रम को सफल अंजाम करती है। शिव भक्तों के लिए कच्चा पक्का भोजन, चिकित्सा, विश्राम, चाय, जलपान और भी जो रोज़मर्रा की सुविधाएं हैं वो उन्हें मिलती हैं। हाँ, और इसमें जो है शिव भक्त जो मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह के हैं, वो निर्धारित कर लेते हैं हरिद्वार से जल उठाते समय कि उन्हें शिवसेना के शिविर पर रुकना है, क्योंकि यही एकमात्र शिविर फिलहाल ऐसा है जहां शिव भक्त भोलों की जो भी व्यवस्था होती है वो निशुल्क रहती है। और ये शिविर भी अकेला एक ऐसा शिविर है जो यहां पर सबसे पहले आयोजित होता है। धर्मनगरी हरिद्वार से 141 लीटर गंगा जल लेकर चले गाजियाबाद के शिव भक्त हैप्पी त्यागी और सुमित त्यागी जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां समाज सेवी सुरेंद्र त्यागी ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने उनके कार्य की सराहना भी की। शिव भक्त हैप्पी और सुमित ने बताया कि पिछले वर्ष वह 101 लीटर गंगा जल लेकर हरिद्वार से आए थे और इस वर्ष 141 लीटर का लक्ष्य है, जिसे वह भगवान भोलेनाथ की कृपा से जरूर पूर्ण करेंगे। भाइयों को बताना चाहूंगा कि ये मेरा
मेरा छोटा भाई भट्टी बोले, ये 141 लीटर जनरेटर चल रहे हैं और मेरे साथ एक बोले ये हैं, ये सिर्फ 51 लीटर जनरेटर चल रहे हैं और एक बोले हमारे साथ हो रहा है, ये इनका नाम है निखिल बोले, ये 41 लीटर जनरेटर चल रहे हैं। सही भाइयों से कामना करता हूँ कि सही भाई प्रार्थना करें वहाँ भोलेनाथ से कि हमारा जल पवित्र रूप से पवित्रता से शिवलिंग पर चढ़े। हरण महादेव। मित्रों, जितने भी लोगों से आप पूछोगे लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से अपने दृष्टिकोण से बताएंगे, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज के समाज में जब बच्चे नशे की तरफ या कुरीतियों की तरफ चल रहे हैं, कुसंस्कारों की वजह से इन बच्चों ने इतना बड़ा संकल्प लिया है कि 150 किलो की कांवर अपने कंधे पर लेकर पैदल जा रहे हैं 205 किलोमीटर का सफर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर जो कोई मेरे से कहे प्रयास करने के लिए तो मैं 5 मिनट भी इस वजन को लेकर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। और इन बच्चों ने इतनी बड़ी एक देश को जागरूक करने का काम किया है, इन्हें देख के और भी लोगों का, मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ, कोई 100 किलो की कांवर, कोई 50 किलो की कांवर, कोई 80 किलो की कांवर लेके चल रहा है। तो इससे हमें दो फायदे होंगे, एक तो संस्कार, बच्चों में संस्कार आएगा, जब कांवर लाएंगे तो उसे उसके इतिहास के विषय में पता लगेगा कि कांवर क्यों, इसका महत्व क्या है। दूसरा ये कि जब इतना वजन उठाएंगे तो फिटनेस के ऊपर बिल्कुल ध्यान देंगे। तो पिछले साल ये बच्चे लाए थे 151 किलो की कांवर, इस बार भी ये बहुत वजन की कांवर ला रहे हैं। इससे जो आज 8 से 10 बच्चे हुए हैं, मेरे को उम्मीद है कि अगली बार ये 500 बच्चे होंगे, अगली बार 5000 होंगे। ये समाज को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा अपने आप में इनिशिएटिव है। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनके परिवार को बधाई देता हूँ और नमन करता हूँ उस माता को जिसने ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया है। देश की सेवा अलग अलग रूपों में हो सकती है, कोई बिजली बचा के, कोई पेड़ लगा के, कोई पेड़ों की रक्षा करके, लेकिन फिटनेस के लिए जागरूक करना और अपने संस्कारों के लिए जागरूक करना, हिंदुत्व के लिए जागरूक करना, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। ये हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, देश हित के लिए इन बच्चों का बहुत बहुत योगदान। ये रिश्ते में तो मेरे भतीजे ही लगते हैं, लेकिन फिर भी ये भोले के शक्ल में है, मैं इन्हें नमन करता हूँ। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, भोले बाबा की जय। जनपद सहारनपुर के जड़ोदा पांडा स्थित बाबा नारायण दास जूड़ मंदिर पर विशाल मेले व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद चढ़ाया। वहीं सभी ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। मान्यता है कि बाबा नारायण दास जूड़ मंदिर में मांगी गई मन्नतें पूर्ण होती है, जिससे भक्तों में इस मंदिर के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। वहीं मन्नतें पूरी होने पर श्रद्धालु भंडारों का आयोजन भी करते हैं। गागलहेड़ी में आगामी कांवड़ यात्रा जो चंद्रोज में शुरू होने को लेकर ज्योतिबा फुले चौक पर थाना प्रभारी आदेश कुमार त्यागी ने ग्राम प्रधान विजेंद्र धीमान के साथ क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को साथ लेकर गागलहेड़ी चौक को सुंदर सजाया गया, लाइटें भी लगाई गई। फिलहाल भगवानपुर चौक तक लाइट की व्यवस्था की गई है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। पेड़ पौधे लगाकर अच्छी तरह से सजाया जाएगा। गागलहेड़ी चौक की सुंदर गमले शोभा बढ़ा रहे हैं, जो कि थाना प्रभारी आदेश कुमार त्यागी की कड़ी मेहनत का नतीजा है। पुलिस का पूरा स्टाफ उनका भरपूर सहयोग कर रहा है। थाना प्रभारी आदेश कुमार त्यागी ने अपने गंतव्यों को जाने वाले कांवड़ियों को कांवड़ यात्रा मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसी कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं कांवड़ नोडल अधिकारी SSI मनोज कुमार ने बताया कि गागलहेड़ी चौक पर लगे CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी, जिसका हर नजारा कैद होगा। LED ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। गागलहेड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सचो गागलहेड़ी के साथ वृक्षारोपण किया। गागलहेड़ी में ज्योतिबा फुले चौक पर वरिष्ठ भाजपा नेता क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय कुमार, भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज चौधरी, SHO गागलहेड़ी आदेश कुमार त्यागी, ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष करम सिंह सैनी ने गागलहेड़ी चौक पर वृक्षारोपण किया। ग्राम प्रधान विजेंद्र धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि पॉल्यूशन मुक्त भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत द्वारा गागलहेड़ी में सड़क के किनारे पर 1100 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जल्द से जल्द पेड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वरिष्ठ भाजपा नेता क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय कुमार ने कहा कि सभी को वृक्षारोपण के लिए संकल्प लेना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में बैंकों से मिली भगत कर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जहां एक्सप्रेस महिला के अनुसार उसके खाते से 6 लाख की रकम उड़ा ली गई। जी हां, ताजा मामला मेरठ के थाना किठोर क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर वृद्ध महिला के अनुसार बैंक की मिली भगत से महिला के खाते से 6 लाख रुपए उड़ा लिए। आपको बता दें कि पहले भी विवाद में रह चुका है भारतीय स्टेट बैंक की यह शाखा। इस पूरे मामले में महिला ने बैंक मैनेजर से साठ काट कर कामिल नाम के युवक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया निकालने का आरोप लगाया है। इस मामले में किठोर पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। हालांकि पुलिस से न्याय न मिलने के बाद आज पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाने लगी। मतलब धोखे से पैसे निकाले गए हैं। कितने पैसे निकाले? 6 लाख। कैसे कैसे निकले? फर्जी अंगूठा लगा के। तो किसी बैंक से मिली भगत थी? मतलब कितनी बार में निकाले हैं पैसे, कुछ आइडिया? 10-15 बार। और कौन लोग हैं पता चला कुछ? जी पता है, किठोर का ही है, कामिल नाम है, सनोफ नजीर। अच्छा, इसकी कोई कंप्लेंट करी है आपने? जी करी है। तो क्या कह रहे हैं थाने वाले? थाने वाले ने तो बहुत कुछ कहा है उसे। क्या कह रहे हैं? उन्होंने फोन करा, बुलाया था, फोन करा था आ जाना, लेकिन वो बोला शाम को आ जाऊंगा, लेकिन पहुंचा नहीं अभी। अच्छा, किस तरीके से पैसे निकाल रहा है वो आपके बिना परमिशन से? मतलब उसे बेटा बना रखा था इन्होंने, इनके बेटा था नहीं, उसे ही बेटा बना रखा था, उसके ही पासबुक थी। आज आप उसने चुरा ली, चुरा करके उसने सारे पैसे निकाले। आज आप एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने तो बस लिख लिया जी, बैंक की मिली भगत थी वो। आमतौर पर जैसे बैंक में जिसका अकाउंट होता है उसी को पैसे निकालने देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी उसे ही दिए उन्होंने, तो बैंक वालों ने जी शिकायत करी जी। तो क्या कहा बैंक मैनेजर ने? बस वो तो चुप है और कह रहा है कि किस तरह से निकले हैं। क्या नाम है बैंक मैनेजर का? नाम को पता है। मेरठ में बुधवार दोपहर हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं 4 दोस्तों की एक साथ मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार परतापुर थाना क्षेत्र के गगोल रोड पर कैंटर की टक्कर लगने से पल्सर बाइक पर सवार 4 युवक बुरी तरह घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 3 युवकों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 4th युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बताया गया कि ये चारों एक ही बाइक पर सवार थे। हादसे को अंजाम देकर कैंटर चालक मौके से फरार हो गया, पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। वहीं युवकों की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। पुलिस ने युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जाँच में जुट गई है। मंगलवार को जनपद मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित मीडिया सेंटर पर चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मीडिया सेंटर अध्यक्ष अनिल रॉयल द्वारा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, एसपी सिटी सतपाल अंतिल, सीओ सिटी हरीश कुमार भदौरिया, नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार सहित आला अधिकारी मौजूद रहे, जहां पदाधिकारियों ने सभी मुख्य अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया, जहां सभी पत्रकारों ने आला अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया। फुटपाथ के रेडी पटरी स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारियों ने अपने घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में नगर निगम क्षेत्र के रेडी पटरी की लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि तुलसी चौक पर इकट्ठा हुए। तुलसी चौक से नारेबाजी करते हुए नगर निगम मुख्य नगर आयुक्त के कार्यालय का घेराव किया। नगर निगम आयुक्त के घेराव के दौरान रेडी पटरी के लघु व्यापारियों ने हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में राज्य फेरी नीति नियमावली क्रियान्वित किए जाने की मांग को दोहराया। कांवड़ मेले के दृष्टिगत सभी रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को परिचय पत्र व कारोबारी लाइसेंस दिए जाने की मांग को भी दोहराया गया। राज्य फेरी नीति नियमावली को क्रियान्वयन करने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी मैं समझता हूँ अधिकारी महोदय ने हमारे को आश्वासन किया है कि हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और सभी वेंडर्स जिनका सर्वे हो चुका है इस नगर निगम क्षेत्र के अंदर लगभग मैं समझता हूँ 3500 से 4000 वेंडर का सर्वे हो चुका है और वो सर्वे जिनका हो चुका है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सर्वे हुआ है,
जिनका सर्वे हो चुका है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन ये चल रहे हैं। हम आभारी हैं नगर निगम के कि नगर निगम ने हमारी मांगों को दृष्टिगत रख, मैं समझता हूँ कि वेंडिंग जोन और हॉकिंग जोन की जो हमारी मांग है और जो लाइसेंस की प्रक्रिया हम लोग नगर निगम से मांग रहे हैं उस और धीरे धीरे नगर निगम बढ़ रहा है और लगातार भारत सरकार भी इसके लिए चिंतित है और राज्य सरकार भी चिंतित है। हमारी एक सूत्रीय ही मांग है कि राज्य सरकार का जो नगरीय फेरी नीति नियमावली है वो क्रियान्वयन होनी चाहिए, उस क्रियान्वयन को लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्दी हम लोग जो है एक बड़ी सभा बुलाएंगे और बड़ी सभा के माध्यम से तमाम रेड़ी पटरी के जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनमें जन जागरण अभियान चलाकर जो है उन्हें जागरूक करेंगे कि जितने लोगों का सर्वे हो चुका है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक होगी, टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक होने के बाद में उनको परिचय पत्र दिया जाएगा, फिर लाइसेंस का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिस दिन वेंडर को लाइसेंस दे दिया जाएगा उस दिन वेंडर जो है वैधानिक रूप से संवैधानिक रूप से अपना स्वतंत्र कारोबार कर सकेगा। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।